हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लोक में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंगल यानी कोण ज्ञात करना। अपन फॉर्मूले से कैसे याद कर सकते हैं या बिना फॉर्मूले कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक बने रहना। स्टूडेंट केवल मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन अपने आप आंसर देने लग जाओगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। स्टूडेंट देखना, स्टूडेंट क्या स्टूडेंट, पहला प्रश्न, एक बज के 10 मिनट दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? देखना स्टूडेंट क्या है, एक बज के 10 मिनट दोनों सुइयों के मध्य आपको कोण पूछा है। तो पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूं और फिर बिना फॉर्मूले बिना पेन के अपन आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखना कि पहले तो फॉर्मूला क्या है इसका। तो मैंने फॉर्मूला बताया कि कोण बराबर, ध्यान से देखना, कोण बराबर 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे बट्टे 2। ध्यान से देखना, एम का मतलब है मिनट, क्या है मिनट। अब देखना कैसे मान रखते हैं 11, मिनट कितनी है स्टूडेंट 10 मिनट है, बजे कितने हैं स्टूडेंट 1 है बट्टे क्या 2। 11 को मैं 10 से गुणा कर दूं स्टूडेंट कितना आएगा 110, 60 को 1 से किया 60 बट्टे 2, 110 से 60 घटाया कितना 50, 50 में 2 का भाग दिया कितना 25 डिग्री, यानी इस प्रश्न का आंसर है कितना 25 डिग्री। यदि ऑप्शन में 25 डिग्री ना मिले तो कितने से घटाओगे 360 से, यानी 360 डिग्री से घटा दोगे तो 25 डिग्री घटाओगे 335 डिग्री आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले अपन इसका आंसर कैसे निकाले। तो मैंने क्लॉक के पार्ट फर्स्ट में बताया कि मिनट वाली सुई है जो एक मिनट में कितना डिग्री बनाती है 6 डिग्री बनाती है, हावर वाली सुई है वो एक मिनट में कितना आधा डिग्री, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुना। अपना है एक बज के 10 मिनट, यानी मिनट वाली सुई है जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो एक बज के 10 मिनट कब होगी, जब पहले 1 घंटा घूमेगी फिर 10 मिनट होगी, 1 घंटा 10 मिनट तब होगा। तो देखना ध्यान से, 1 बज के 10 मिनट में पूछा है तो पहले 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट होती है, 10 मिनट ये हो गई, 60 प्लस 10 कितने 70 मिनट। ये 70 मिनट समझ में आया क्या स्टूडेंट, कैसे आया, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 10 मिनट में ये 10 मिनट, 60 और 10 कितने 70। घंटे वाली सुई कितना कोण बना रही है आधा डिग्री, ये लिखा हुआ, आधा से गुणा किया कितना आ गया 35 है, यानी 2 से 70 कट गए कितनी बार 35। अब मिनट वाली 12 पे वापस 0 हो जाता है, मिनट वाली सुई कितने आगे गई 10 मिनट गई, मिनट वाली सुई कितना बना 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है 6 डिग्री बनाती है, यानी 10 मिनट का पूछे 10 को 6 से गुणा किया कितना 60, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 25 डिग्री का। ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको इस फॉर्मूले से करोगे तो गलत होने के चांस कम रहेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे 2। यदि आप फॉर्मूले से ना करना चाहो तो ध्यान रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री है और हवर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो पहले इसको पूरे मिनट में कन्वर्ट कर लेना, 1 घंटा और 10 मिनट यानी 70 मिनट, 70 मिनट को घंटे वाली सुई यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, 70 का आधा यानी 35 डिग्री, इसके बाद 10 मिनट यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना 60 डिग्री, तो 35 और 60 के बीच में अंतराल कितने का है, कितने का है 25 डिग्री का है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट 25 डिग्री है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।